अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ एग फ्राइड राइस। तो सबसे पहले तो मैंने जो है वो ऑयल गर्म होने के लिए रखा था, उसके अंदर मैंने लहसुन डाल दिया। लहसुन को मैंने बहुत जो है वो बारीक फाइन पेस्ट ही बनाया था, थोड़ा सा मोटा साइज को रखा था, वो डाल दिया। साथ में मैं डाल दी उसमें ये बंद गोभी स्लाइस में कटी हुई है, और गाजर इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया हुआ था। तो अपने पसंद के हिसाब से सब्ज़ियाँ आप काट सकते हैं। मैं एग फ्राइड राइस में इसी तरह सब्ज़ियाँ काट के डालती हूँ। तो इनको जो है वो थोड़ा सा फ्राई कर लेना है हमने लहसुन के साथ ऑयल में, ताकि इनका कलर अच्छा सा आ जाए और बाद में इनका कलर ख़राब ना हो। तो इनको एक से दो मिनट तक जो है वो फ्राई करेंगे, फिर इसके अंदर हम डाल देंगे सॉसेस। और सॉसेस में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें ये है सिरका डाल दिया वाइट विनीगर। उसके बाद जाएगा इसके अंदर सोया सॉस जो है वो भी इसमें डाल देना है। और ये सारी चीज़ें जो है सबसे एंड पे मैं इसमें डाल रही हूँ हॉट सॉस। और ये जो है वो सब तकरीबन हाफ हाफ कप के बराबर हैं, तकरीबन ये बनते हैं 4 से 5 टेबल स्पून। तो इन सब चीज़ों को डाल के तो अब इसके अंदर मैंने डाल दिया नमक। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है, जितने आप राइस बना रहे हो उस हिसाब से डालें। और अब इसमें मैं डाल दूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, और आप चाहें तो इसमें ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, वाइट पेपर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ना ये रेड मिर्च डालती हूँ कुटी हुई। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और इसको कर लेना है अच्छे से फ्राई, और इसको बहुत ज़्यादा अब यहाँ नहीं भूनना है। और अब मैंने शिमला मिर्च जो है ना वो साइड पर रखी है, वो अभी इसमें नहीं डालनी। शिमला मिर्च लास्ट में डालेंगे जब हम चावलों को दम लगाने वाले होंगे, तब बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी, पानी जितने भी मैंने चावल लिए उस हिसाब से पानी डाल लिया मैंने। तो बस इसको पकने दें थोड़ी देर के लिए, और ढक्कन लगा दूँगी और इसको पकने देना है। और जो है अब यहाँ पे इसको 2-3 मिनट हो गए, और ये जो है वो पानी बॉईल हो रहा है। तो अब जो है इसके अंदर मैंने डाल देने हैं चावल। चावलों को मैंने पहले भिगो के रखा हुआ था तकरीबन आधा घंटा पहले, इनको मैंने जो है वो वॉश करके अच्छे से भिगो दिया था। सारा इनका पानी मैंने स्ट्रेन कर दिया और इसको इसमें डाल दिया, और साथ में इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। और फिर बार बार इसमें चम्मच नहीं चलाना, चम्मच चलाने से चावल जो है ना वो टूटते हैं। अब क्यों इसको ढक के रखते हैं। और दूसरी साइड पे मैंने एक ऑयल डाल दिया है, और जो है अब मैं इसमें 2 से 3 जो है वो मैंने पहले ही अंडे जो थे ना वो अच्छे से फेंट के रखे हुए थे, उनमें मैंने चुटकी एक नमक की डाली हुई थी, और थोड़ा सा उसमें ना डाली हुई थी रेड पेपर कुटी हुई थोड़ी सी डाली हुई थी, और जो है वो उसको मैं ऑमलेट बनाऊँगी। तो यहाँ पे जो है वो ऑयल को मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है उसमें पैन में, और ये देखिए चावल भी यहाँ पे हो रहे हैं। और इनका मैंने जो है वो आग बहुत तेज़ नहीं की, हल्की सी है, और उधर भी मैंने जो है वो पैन रख दिया है। अब ये देखिए ये अंडे मैंने पैन के रखे हुए थे, इनको फिर से एक दफ़ा मैं इनको जो है मिक्स करके तो इस पर डाल दूँगी। तो आप चाहें तो इसको इसी तरह भी पूरे का पूरा बना के बाद में कर लें, लेकिन इस तरह भी जो है अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन चम्मच के साथ भी इसको मिक्स करते जाएं तो ये अच्छे से हो जाता है, छोटे छोटे से इसके पीसेस बन जाते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं सारे को मिक्स कर लिया था, अब मैं इसके सारे पीसेस बना लूँगी। अब जी एग रेडी हो गया, उसको मैंने एक प्लेट में साइड में निकाल के रख लिया है। अब जो है वो चावल भी अच्छे से हमारे जो है वो पक रहे हैं, और ये बस अभी दम देने वाले होने वाले हैं। अभी थोड़ा सा इसमें पानी है, तो अब मैं इसके अंदर जो है वो जो मैंने शिमला मिर्च नहीं डाली थी काट के रखी हुई थी वो इसके अंदर डाल दूँगी। और शिमला मिर्च को भी मैंने जो है वो क्यूब्स में छोटे छोटे पीसेस में कट किया हुआ था, और इसको एंड पे डालने का मकसद ये होता है कि इसके ना कलर नहीं ख़राब होता, और इसका टेस्ट भी चावलों में बहुत अच्छा आता है। अगर हम शुरू में इसको डाल के साथ ही सब्जियों के इसको भी कुक करते हैं, पका लेते हैं, तो ये इसका कलर सारा ख़राब हो जाता है, येलो से कलर की हो जाती है। तो अभी बस इसको मैंने रख दिया है दम लगा के, तो बस अभी जो है वो इसको ये देखें, अब जो है ना दम लगाने से पहले जो आप ये हो गए दम वाले,
अब जो है वो मैंने अंडा जो रखा था फ्राई करके पीसेस बना के, तो वो सारा इसके ऊपर डाल देना है यहाँ पे डाल के। तो इसको जो है वो फिर मैं 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। तो ये एग फ्राइड राइस बहुत मज़ेदार से जो है ना वो रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे बस इसको दम लगा के रख देना है। और ये देखें जी हमारे राइस कितने मज़ेदार से और खिले खिले से बने हैं, और कलर देखें सब्जियों का। तो जी यहाँ पे जी नेक्स्ट मॉर्निंग हम आए हैं गांव, और गांव की ये मॉर्निंग का बिल्कुल जो सुबह का टाइम होता है ना वो व्यू है। और यहाँ पे तकरीबन टाइम हुआ है कुछ 6 बजे। तो माशाल्लाह से देखें कितना पुरसकून माहौल, कितना जो है वो अच्छा नज़ारा है, साफ़ सुथरी फ़िज़ा, बहुत जो है वो अच्छी सी हवा, सब लोग अपने कामों में लगे हुए, खेतों में इधर उधर आ जा रहे हैं, और जो है वो साफ़ सुथरा माहौल, साफ़ सुथरी हवा, बहुत अच्छा। सुबह सुबह सूरज निकल रहा है, परिंदे भी उड़ रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा व्यू है। आई होप कि आप लोगों को ये जो है वो मॉर्निंग पसंद आएगी गाँव में। तो चले आए वीडियो को एंजॉय करें मेरे साथ। और जी यहाँ पे हमारी वापसी का सफ़र है, और शाम हो के ये बहुत प्यारा यहाँ पे भी मंजर है, सूरज तुलू होने का भी मैंने आपको दिखाया जब सूरज निकल रहा था, और अब सूरज ग़ुरूब होने का भी देख लें, बहुत अच्छा जो है वो मंजर है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक ले जा सकते हैं, अल्लाह हाफिज़।